वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ केरला। मुन्नार में दो दिन इस सुंदर से होम स्टे में स्टे करने के बाद अब टाइम आ गया है साबू एंड फैमिली को बाय बाय बोलकर केरला की एक और फेमस जगह पे जाने का, जिसका नाम है एलेपी। एलेपी जो फेमस है यहाँ की लग्जरी हाउस बोट्स के लिए और यहाँ के बैकवाटर्स के लिए। इसी के साथ पूरे केरला में एक यही ऐसी जगह है जहाँ फॉरेस्ट नहीं है। मुन्नार से एलेपी का टोटल डिस्टेंस है 200 किलोमीटर और इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए आपको लगेंगे 5 घंटे। मुन्नार से एलेपी पहुँचने के लिए ट्रेन का भी कोई ऑप्शन नहीं है, आप टैक्सी और बस पकड़ कर यहाँ पहुँच सकते हैं। अगर आप टैक्सी बुक करते हैं तो उसका चार्ज आपको पड़ेगा अप्रॉक्स 4500 रुपये और बस की टिकट का कॉस्ट होगा 500 से 700 रुपए के अराउंड। अगर आप लोग कोची से ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रेन आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आप कोची के अर्नाकुलम स्टेशन से ट्रेन लेकर वहां से 2 घंटे में एलेपी पहुंच जाएंगे। कोची से एलेपी का डिस्टेंस कुल 50 किलोमीटर है। नॉन एसी कोच का कॉस्ट है 150 रुपए और एसी कोच का कॉस्ट है 350 रुपए। आप लोग डायरेक्ट एलेपी पहुंचकर भी हाउस बोट की बुकिंग कर सकते हैं, बट वी विल रिकमेंड कि आप लोग अपनी बुकिंग एडवांस में ही करके जाएं। मोस्टली हाउस बोट का चेक इन टाइमिंग होता है 12 से 1 बजे के बीच में, तो आप लोग यहाँ आधा घंटा पहले पहुँचने की कोशिश करना। तो ये है हमारा रूम और इस रूम में हमारे को मिलता है एक बेड। बेड के साथ हम लोगों ने यहाँ पे एसी मिला है और फ्लोरिंग देखो गाइस, टॉप फ्लोर एकदम मस्त बनाया हुआ है। एंड इसी के साथ आपको एक सोफ़ा सेट मिल जाता है, टीवी यहाँ नहीं है। एंड ये है बालकनी जहाँ से आप पूरी बाहर बोट का नज़ारा ले सकते हैं। एंड इसके बाद ये है वॉशरूम, वॉशरूम काफ़ी बड़ा और नीट एंड क्लीन है। एंड ये है एक मिरर। हाउस बोट में आपको शेयरिंग और पर्सनल हाउस बोट के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। हम लोग क्योंकि एक बजट ट्रिप पर हैं तो हम लोगों ने शेयरिंग हाउस बोट को बुक किया है। आप लोग अपने बजट के हिसाब से अपना स्टे बुक कर सकते हैं। तो हाउस बोट में एंट्री करने के बाद ना सबसे पहले आपको मिलती है वेलकम ड्रिंक, क्योंकि बहुत टेस्टी, मजा आ रहा है। तो गर्मी इतनी, ऊपर से ये मिल जाए तो मजा ही अलग आ जाए। शेयरिंग हाउस बोट आपको एक नाइट के लिए मिल जाएगी 4,000 से 5,000 के अप्रोक्स, और पर्सनल हाउस बोट की बात करूं तो 8,000 से 11,000 के बीच इसका कॉस्ट आ सकता है एक नाइट का। हाउस बोट में आपको तीनों टाइम का मील्स इंक्लूड होता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मील्स में आपके पास ऑप्शंस बहुत होते हैं। पेट पूजा करने के बाद आपकी हाउस बोट फिर से निकल जाएगी अपने बैक वाटर टूर पर। ये चला रही है बोट और बोट बिल्कुल भी आगे हिल नहीं रही है, एक ही जगह खड़ी है। कैसी बोट चला रही है भाई? एलेपी की ये लेक इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक होने के साथ साथ पूरे केरला की लार्जेस्ट लेक भी है। इस लेक का नाम है वेम्बनाड लेक एंड इसकी टोटल लंबाई है 96 किलोमीटर। सो गाइस, बाहर बहुत जोर से हवा चल रही थी तो कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको देना ना बड़ा मुश्किल था। अप्रैल से सितंबर तक जो रहता है ना हमारा ऑफ सीजन रहता है। अगर आप लोग ऑफ सीजन में प्लान करेंगे ना तो आपको यही हाउस बोट मिल जाएगा अराउंड कुछ 4,000-5,000 के अंदर। तो गाइस हमारे रूम से व्यू देखो कितना अच्छा आ रहा है। एक घंटे चलने के बाद हाउस बोट रुकेगी अपने फर्स्ट स्टॉप पर। हमारी बोट रुक गई उधर और हम यहाँ से जा रहे पैदल पैदल। 20 मिनट का ये हॉल्ट है और हम लोग जा रहे फिश लेने के लिए। यहाँ रुककर आप अपने लिए फिश खरीद सकते हैं और हाउस बोट के कुकिंग स्टाफ को दे सकते हैं आपके लिए मील प्रिपेयर करने के लिए। एंड इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। पूरा मेरा जो फेस है ना वो सनटैन हो गया, जल जल के आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है। और इसका मुंह देखो क्या चमक रहा है। आज इसकी ना तबीयत ठीक नहीं, जब से हाउस बोट पर आई ना आप लोग भी बोल रहे हो मैं अकेला अकेला दिख रहा हूँ। रीज़न क्या ना, इसकी तबीयत खराब हो गई है भाई। अभी इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, अभी दिखाता आपको क्या खा रही है। अभी तो तबीयत ठीक नहीं थी। नहीं तो ये क्या खा रही तुम? आइसक्रीम। क्यों तबीयत ठीक नहीं है ना इसलिए? इससे ठीक हो जाती है? पता नहीं, अच्छी है या नहीं होगी देख लेंगे। एंड गाइस ये है हमारी हाउस बोट, ये वाली नहीं है, ये वाली दिख रही है आप, ये वाली। हाँ
बोट पर वापस आने के बाद आपका वेलकम होगा गर्मा गर्म पकौड़े और चाय के साथ। इवनिंग स्नैक्स को एंजॉय करने के बाद अब बारी है एलपी के बैक वाटर्स की वाइब को एंजॉय करने की। उसके लिए आपको एक शिकारा बोट बुक करनी होगी जिसका कॉस्ट आपको आएगा अप्रोक्स 600 रुपए पर पर्सन एंड इस राइड का टोटल ड्यूरेशन होता है 3 घंटे का। बैलेंस बिगड़ गया, साठ किलो की है और 60 किलो की लड़की ने पूरा बोट हिला दिया। देखो तो हमारे साथ ही अंकल और आंटी हैं, दोनों पुणे से हैं। एलएपी वैसे तो यहाँ के बैकवाटर्स के लिए फेमस है, लेकिन यहाँ का सनसेट भी किसी से कम नहीं है। बैकवाटर की ब्यूटी एक तरफ और ये ढलते सूरज की ब्यूटी एक तरफ। हम उस ब्रिज के लिए, छोटा सा ब्रिज बन रहा है, उस नीचे से जाएंगे, मजा आएगा, बस सर बचाना है तुम्हें। पर मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है, ये मस्ट है, यू हैव टू ट्राई दिस। बीच में बोट रुकती है छोटे से ब्रेक के लिए, जहां आपको मिलेगी ये फ्लोटिंग मार्केट। आप थोड़ी देर यहां रुककर फोटोज क्लिक करवा सकते हैं या फिर अभी की तरह फिशिंग कर सकते हैं। चलो आपको अभी की फिशिंग स्किल्स दिखाते हैं। Can I also try? करा ली बेस्ती, आगे स्वाद जिंदगी का। ओ फेंका तो सही, अब काटा जाए। उसने क्या ना कुछ आया क्या भाई ने ना मछली वो ऐसे ना कुछ आया भारी भारी सा हो गया। कुछ नहीं आया, पानी बह रहा, तो जब तुम उसको खींच रहे हो तो उल्टी डायरेक्शन में, इस वजह से लग रहा था मछली कैसे आएगी। उन्होंने काटे में कुछ तो लगाया नहीं खाने पीने का सौदा। 3 घंटे राइड की बाद हम लोग आ गए अपनी हाउस बोट पर। शाम को सारी हाउस बोट एक किनारे पर खड़ी हो जाती है क्योंकि उस टाइम फिशरमैन फिशिंग करने के लिए अपने नेट्स लगाते हैं। लेकिन अभी हाउस बोट का ये टूर खत्म नहीं हुआ। हाउस बोट सिर्फ आपको बैक वाटर का एक्सपीरियंस नहीं करवाती, दिन भर की थकान के बाद अब बारी आती है एक रोमांटिक कैडलाइट डिनर की। हाउस बोट पर डिनर की इस वाइब को देखकर आप देखते रह जाएंगे। कपल की नाइट को स्पेशल बनाने के लिए हाउस बोट के स्टाफ कोई मौका नहीं छोड़ते। नेक्स्ट मॉर्निंग में यही बोट आपको 1 घंटे के लिए बैक वाटर्स में वापस से घुमाएगी। तब तक आपका ब्रेकफास्ट रेडी होगा। ब्रेकफास्ट करने के बाद अब टाइम आ गया है हाउस बोट को टाटा बाय बाय बोलने का और केरला की एक और ब्यूटीफुल जगह को कवर करने का। अब चलते हैं इस पूरे एलएपी टूर के बजट पर। अगर आप लोग कोची से डायरेक्ट आ रहे हैं तो कोची एयरपोर्ट से अर्नाकुलम स्टेशन तक आपको चार्ज लगेगा 300 रुपए। ट्रेन का कॉस्ट आएगा अप्रॉक्स 250 रुपए। स्टेशन से हाउस बोट तक टैक्सी और ऑटो का कॉस्ट आपको पड़ जाएगा 200 रुपए के अराउंड। अगर आप शेयरिंग हाउस बोट स्टे को चूज करते हैं तो उसका आपको कॉस्ट पड़ेगा 4,500 रुपए। अगर आप पर्सनल हाउस बोट पर स्टे करते हैं तो उसका आपको कॉस्ट पड़ जाएगा अप्रॉक्स 9,000। एंड इसमें जो आपका मील कॉस्ट है वो होगा 0। तो इसी के साथ इस टूर का हमारा टोटल कॉस्ट होगा, अगर आप शेयरिंग हाउस बोट लेते हैं तो 5,250, और अगर आप पर्सनल हाउस बोट लेते हैं तो पूरा आपको कॉस्ट पड़ेगा इस टूर का 9,750 रुपए। अगर आप लोग मुन्नार से आ रहे हैं तो मुन्नार से एलएपी बस का कॉस्ट आपको 800 रुपए पड़ेगा। बस स्टेशन से हाउस बोट तक की अगर आप टैक्सी करते हैं तो अप्रॉक्स 200 रुपए के अराउंड आपको कॉस्ट पड़ेगा। एंड अगर आप लोग शेयरिंग हाउस बोट लेते हैं तो आपको 4,500 रुपए का कॉस्ट आएगा। एंड अगर आप लोग पर्सनल हाउस बोट लेते हैं तो सेम 9,000 रुपए का कॉस्ट आएगा। एंड इसमें भी आपका जो मील कॉस्ट है वो 0 होगा। तो इसी के साथ आपका टोटल होता है शेयरिंग हाउस बोट का 5,500 रुपए और पर्सनल हाउस बोट का 10,000 रुपए। तो इसी के साथ हम आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। एलएपी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमारे इंस्टाग्राम पर हमें डीएम भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको एक नई जगह और एक नई आइटनरी के साथ। बाय।